हाँ भैया देखें कांड तरुआ सब बहुत सुन ली, लेकिन ई जौन हम कांड सुपर कैसेट टी सीरीज की ओर से गावत बाणी एवनी कांड के रुआ सब एक बार सुनब। आज तक यह कांड में रुआ सब सुन ली कि कोनो लड़की के संगे चार गो लड़का मिल के बलात्कार कर दिलन, उ एगो कांड हो गई। कोनो लड़की दहेज के प्रथा दहेज प्रथा के चलते जला दिहल गईलिन, उ एगो कांड हो गई। कोई किसी का मर्डर कर दिया, वो एक कांड हो गया। लेकिन गौर करेंगे ये जो मैं कहानी आप लोगों के बीच में बिरहा के रूप में गाने जा रहा हूँ, इस कहानी के अंदर न कोई बलात्कार है, न कोई दहेज है और न कोई मर्डर है। तो सोचने की बात है कि आखिर ये कहानी कैसी है। इस गाना का शीर्षक है बेवफा गरीबी उर्फ आवारा बेटा। चार लाइन भूमिका पर गौर करेंगे, कहना है कवि का क्या कि दुखद वेदना लेके आती गरीबी, किस्मत बनी कोढ़ में खाज है, दर बदर खा के ठोकर जो पीता है आंसू, रूह इंसान की कांपती आज है, होते अपने बेगाने बुरा वक्त पर, दुख के दल दल में जालिम दगाबाज है, गंगा सागर मुसीबत न सहता मरवत, हिष्ट अनिष्ठिया घातिया गाज है। यहाँ एक लाइन क्लासिकल गजल का नमूना बा, खास तौर से हमारी अपन स्पेशल अंदाज बा, ए नया बिरहा में एक लाइन नया गजल का नमूना देले बने। एक मासूका अपनी मासूक से कहती है कि मेरा मासूक मुझे बहुत प्यार करता है, लेकिन वो मासूक कैसा है, क्या कहती है कि वो मुझसे प्यार तो ओ मुझसे प्यार तो करता बहुत है, ओ मुझसे प्यार तो करता बहुत है। जमाने से मगर ओहो जमाने से मगर डरता बहुत है, जमाने से मगर डरता बहुत है, जमाने से मगर डरता बहुत है, जमाने से मगर डरता बहुत है। गाना का लाइन पर गौर करिहन, कहना अम्बा का कि अरे कुदरती आग में कुदरती आग में जलता जिगर है, 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 कुदरती आग में जलता जिगर है। दर्द दिल रो रहा ओहो दर्द दिल रो रहा खुशियाँ जिधर है, दर्द दिल रो रहा खुशियाँ जिधर है, ई हमें से कहानी के शुरुआत बा। नजम के लाइन में कभी दिहलन है का दिहलन बाहबा, घूमता काल चक्र काल का कलंक बना, घूमता काल चक्र काल का कलंक बना,
शक्ति छीण हुई राहु का मयंक बना। जिला वैशाली जमुई गांव की कहानी है, जिला वैशाली जमुई गांव की कहानी है। सुखू राम की मकान भी पुरानी है, मेहनत मजदूरी से परिवार को जिलाते थे, मेहनत मजदूरी से परिवार को जिलाते थे। इलाहाबाद विनय लाल को पढ़ाते थे, पढ़ाई पीसीएस की तैयारी में लौलीन रहा, पढ़ाई पीसीएस की तैयारी में लौलीन रहा। पत्नी पार्वती सोनू सुत कम सीन रहा। तनी बात समझ ला, शीशा जैसन एकदम कहानी झलके लगी। बाबूजी आप लोगन हमरे बिहार में गई होबा, पटना जिला से आगे बढ़वा वैशाली जिला मिलेला। अब वैशाली जिला में एक छोटे गांव जमुई, जमुई के रहे वाला सुखुराम बड़ा गरीब आदमी रहलन हँ। सुखुराम के परिवार में बस सुखुराम और उनकर दुलही मेहनत मजदूरी कई के जिंदगी का परवरिश करत रहलन रे भैया। समय धीरे धीरे बीतल, आखिर सुखुराम के भगवान सुन लिहलन। सुखुराम के गोदी में एक ठे फूल खिलल, कहले का मतलब कि सुखुराम के एक ठे लड़का भइल। आ जब लड़का भइल, धीरे धीरे लड़का जवान होखे लगल, श्यान होखे लगल। बचपन से सुखुराम मेहनत मजदूरी कई के ओ लड़का का पढ़ावे लगलन। लेकिन बाबू देखें, बचपन से ही भगवान की ऐसी माया कि बचपन से ही वो लड़का, जिस लड़का का नाम सुखुराम प्रेम से विनय लाल रखे थे, विनय लाल बचपन से ही पढ़ने में बड़ी तेज तरार लड़का निकला। आज जब तेज तरार निकलन हाँ, आखिर विनय लाल मैट्रिक पास कैलन फर्स्ट क्लास से। सुखुराम गरीब आदमी सोचे लगलन कि हम गरीब आदमी हैं, बेटवा के ब्याह शादी कह दी, सर का बोझा उतर जाये। पार्वती नाम के लड़की से ब्याह कह दी हलन। समय धीरे धीरे बीतत बा, आखिर विनय लाल के शरीर से और पार्वती के शरीर से दुनहुन जन के आखिर प्रेम व्यवहार से एक ठे और लड़का भइल, ओ विनय लाल के, जेवना लड़का का नाम सोनू बतावल गइल। लेकिन विनय लाल पढ़ रहा है, पढ़ने में तेज तरार लड़का है, मैट्रिक किया, इंटर किया, बीए फर्स्ट क्लास से पास किया। आ जब बीए फर्स्ट क्लास से पास कैलन, तयाज सुखुराम के गांव घर कहे लगलन, गांव घर के लोग कहे लागल कि ये सुखू तहार बेटवा बड़ी तेज बा पढ़े में भैया, मेहनत मजदूरी कई के वो लड़का के पढ़ावा। सुखुराम जब सुनलन हाँ कि हमार बेटा पढ़े में तेज बा, बीए पास करके आज पीसीएस के तैयारी करे लगलन, सुखुराम अपने बेटा विनय लाल के बुलौलन। कहलन कि मुन्ना तनि सुना। विनय लाल बाबू जी के लगे गइलन हाँ। कहलन कि ये मुन्ना, हम सुनलें कि तू पीसीएस के तैयारी करत हो बेटा। हंसे लगल लड़का। विनय लाल कलश कि बाबू तेकरे में तोके खुशी होके के चाहे कि हम तुहार बेटा हैं, पीसीएस के तैयारी करत हैं। आखिर सुखुराम कहलन कि बेटा पीसीएस के तैयारी करत हो, खुशी जरूर बा, लेकिन एक काम करा बेटा कि तू घरे मत रहा। अगर घरे रहबा तो हम गरीब आदमी बानी, गरीबी में तू उलझ जीबा, परिवार में के मोह माया में फंस जीबा, तू इलाहाबाद चल जा। वो लड़का आज पिता के कहने से विनय लाल इलाहाबाद में चला आया, आकर के पीसीएस की तैयारी कर रहा है। लेकिन वो गरीब बाप सुखुराम सोचत हुन, का सोचत हुन बाबू? आई हाँ, एक लाइन तरज बा, का तरज के लाइन बा मास्टर? यह तरज का लाइन बाप कि अरे साड़ी हम ना पहिरब ये राजा, साड़ी हम ना पहिरब ये राजा, रेलिया के ड्राइवर साड़ी हम ना पहिरब ये राजा, रेलिया के ड्राइवर साड़ी हम ना पहिरब ये राजा, रेलिया के ड्राइवर। गरीब आदमी सुखुराम सोचत हुन भैया, का सोचत हुन? ये सोचत हुन दिनवा फिरी है हमार बाबू, हो दिनवा फिरी है हमार बाबू,
पई है जब नौकरिया दिलवा भी है हमार बाबू, पई है जब नौकरिया दिलवा भी है हमार बाबू, पई है जब नौकरिया। सुखुराम सोचा थवन गरीब आदमी कि हम गरीबी में बेटवा के पढ़ोली, बेटवा पीसीएस के तैयारी कैली, अब पीसीएस के तैयारी कैली तो हमार गरीबी का दिन दूर हो जाए, यह सोचत हूँ। लेकिन देखें गांव का लड़का रहे वाला, देहात का लड़का रहे वाला, आज जब इलाहाबाद शहर में आयल बा बिने लाल तो देखें शहर का हवा लग गई। आज वो लड़का कैलस का बाबू, बबुआ रोब जमावे रंग में नेहा सहपाठिन के संग में, बबुआ रोब जमावे रंग में नेहा सहपाठिन के संग में, बबुआ रोब जमावे रंग में नेहा सहपाठिन के संग में। अरे मौज में होला अभिसार बाबू, मौज में होला अभिसार बबुआ, मेला सहरिया मौजम होला अभिसार बबुआ, मेला सहरिया मौजम होला अभिसार बाबू, मेला सहरिया मौजम होला अभिसार बाबू, मेला सहरिया। लड़का बिना लाल का शहर का हवा लग गई ले भैया, आ जब शहर का हवा लगल बा अंजाम ही निकलल कि जिस क्वार्टर में बिने लाल रहता था उसी क्वार्टर के बगल में एक नेहा नाम की लड़की भी पीसीएस की तैयारी करती थी, दोनों में नैन चार हुई। आ जब नैन चार हुई तो मोहब्बत का शुरुआत हो गया। मैं कहता हूँ बाबू प्रेम करना कोई गुनाह नहीं होता है, कहा जाता है कि लव इज गॉड एंड गॉड इज लव, प्रेम ईश्वर है ईश्वर ही प्रेम है, प्यार करना कोई पाप नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ कि प्यार को वासना में दूषित कर देना महापाप हो जाता है। आज जो दोनों जीने मरने की कस्में खाने लगे, देखें बिने लाल कितना बड़ा झूठ बोला है। नेहा लड़की से कहता है कि अये नेहा मैं भी अनमैरिड हूँ और तुम भी अनमैरिड हो, जबकि बिने लाल के घर में उसकी माँ थी, उसकी पत्नी थी, उसका एक मासूम बेटा भी था। देखें बाबू कहता है कि मैं अनमैरिड हूँ, तुम भी अनमैरिड हो, एक काम करो नेहा कि जब मैं पीसीएस की तैयारी कर लूँगा तो तेरे मांगों में सिंदूर भर करके तुझे जीवन साथी बना लूंगा, हम दोनों जिंदगी की एक नई राह पर चलेंगे। दोनों जीने मरने की कस्में खाने लगे, लेकिन अचानक यही बीच बीने लाल के गांव पर इनके घर में एक घटना घटल। का घटना घटल वह है तरज कलाइन बा। है गीत कलाइन बा कि यही तरज चुपा चोरी, यही तरह चुप चोरी कहिया ल चोली, बात हमार मानी बियाह रउआ कोली, बात हमार मानी हमर मानी बियाह रउआ कोली, बात हमर मानी बियाह रउआ कोली, बात हमर मानी बियाह रउआ कोली। लेकिन तनी गाना के भाव स्थल पर गौर करिहन, आखिर में बिने लाल के घर में घटना घटल। बिने लाल के जोन बूढ़ महतारी रहली ने बाबू, आखिर एक दिन बीमार पड़लिन, खटिया पर गिरल हैं चार पांच रोज से, गरीबी के चलते घर में दावा दारू न होत बाटे। समझ गई वो माँ कि मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी और एक ही आँखी का लाल हमार बिने से भेंट भी न हुई। आज महतारी सुखुराम के बलौलिन कहलिन कि देखा हमार एक ही लड़का जेवना के तू इलाहाबाद भेज दिया पढ़े बदे, अब हमरे जिंदगी के कोनो ठीक न बा, हमरे लड़का के बोला द हम एक बार अपनी मुन्ना के देखल चाहत बानी। सुखुराम समझावत हूँ का पागल बनल बाड़ू, लड़का पीसीएस के तैयारी करत बा, घरवा बोलेबू आखिर लड़का डिस्टर्ब हो जाई। ए भैया मतारी का करेजा
देखें उ महतारी के ममता मानल ना बा। आखिर माई खटिया पर गिरल बे, आँख में आंसू लेके माई रोत बे, आ चिट्ठी अपने मुन्ना के यहाँ लिखत बे बिने लाल के यहाँ। का लिखलिन हाँ कि छछने करे जाको छछने करे जाको करल पढ़ाई छछने करे जाको करल पढ़ाई माई के सुधिया बेटा गईल भुलाई माई के सुधिया बेटा गईल भुलाई हो फिर मतारी खटिया पर गिरल बे चिट्ठी में लिखत बे कि मुन्ना एक बार चिट्ठी पढ़ते तू तुरंत गाड़ी धर लिया मुन्ना हम तो के देखल चाहत बानी हमरे जिंदगी का कोनो ठीक ना बा मुन्ना तू कैसहू गाड़ी पकड़ के चली हा लेकिन तनी सुना मुन्ना हमारी स्थिति का बन गिल बा हमार हमरे जिंदगी का कोनो भरोसा न बा माई चिट्ठी में लिखत बे का आटत नहीं के खर्ची पण फाका हमरा धैले बा बीमारी आटत नहीं के खर्ची पण फाका हमरा धैले बा बीमारी आटत नहीं के खर्ची पण फाका हमरा धैले बा बीमारी ए मुन्ना जिंदगी के कोनो भरोसा न बा बेटा तू ही ते गो आंखी के पुतरी रहला अरे अब हमरे जेले कन दुख बा न मोले का पछतावा बा बेटा अब कोनो चिंता नहीं खे जेले का न भूख बा न मोले का दुख बा एक काम करा कि तू चिट्ठी पढ़ के जरूर चलिए हा लेकिन इलाहाबाद में बेटा का चिट्ठी मिलल बा मुन्ना चिट्ठी पढ़त हुन आ चिट्ठी पढ़ के उ माई के माई से मिले कहें के आवे बल्कि वो चिट्ठी का जवाब लिखलन का लिखलन दुख दूर होई भेज रुपया मिली काम सरकारी दूर होई भेज रुपया मिली काम सरकारी दूर होई भेज रुपया मिली काम सरकारी घरवा रखी गिरवी दिहला रुपया पठाई घरवा रखी गिरवी दिहला रुपया पठाई माई के सुधिया बेटा गईला भुलाई हो चिट्ठी पढ़ते उ बिने लाल माई से मुलाकात करे कहे के आवे बल्कि चिट्ठी का जवाब लिखलन कि माई चिंता मत करा एक काम करिया माई की अब हमार पीसीएस का फाइनल चलत बा लास्ट ईयर चलत बा बाबूजी से कह के जितना जल्दी हो सकी कुछ रुपया का बंदोबस्त करवा के हमरे लगे भेजवा दिया ताकि हम अपन पीसीएस की तैयारी पूरी कर लें और चिंता मत करिया हम पीसीएस की तैयारी पूरी करते सरकारी नौकरी मिल जाई हमनी का गरीबी दूर हो जाई। आज महतारी जब चिट्ठी के पढ़ले बे पुक्का फार के लगल रोहे कि बाहरे मुन्ना उहे मुन्ना रहला ठंडी के मौसम में ए बेटा जब तू खटिया पर पेशाब कर देत रहला लेवा भी जात रहले बाबू ओ भिजले जगह पर हम सुती तोके उठा के सुखले कई के सुताई रात गुजार दी ठंडी के रात में लेकिन आज तोरे पास ई मौका निखे कि अपने माई से एक दिन न सही एक घंटा सही एक घंटा खाती रहता चल जी तब मुन्ना हम तोके न रुकती लेकिन ठीक बा मुन्ना जहाँ भी रहा सुख से रहा ये हमार दुआ बाटे माई बेटा के बद्दुआ कबो नहीं दे सकत मुन्ना हमारी है दुआ बा कि जहाँ भी तू रहा सुख से रहा। आखिर बाबू समय गुजरने लगा सुखू राम समझावत हुन का पागल बन जालू बेटवा ठीक है तो चिट्ठी में लिख ले बा अरे ओकर लास्ट ईयर बा फाइनल चलत बा बेटा घरे आई डिस्टर्ब हो जाई सवाल बा पैसा के तब तो हम पुरान भैली मेहनत मजदूरी भी न होत बा कि मुन्ना के पैसा भेजी लेकिन देखें बाबू सुखू राम के दिमाग में एक बात आ गया अपनी मकान को गिरवी रख करके और बिने लाल को पढ़ाने के लिए
पैसा भेज दिया, गिरवी रख करके पैसा भेज दिया। समय गुजर रहा है, उधर पीसीएस की तैयारी लड़का कर रहा है, लेकिन घर पर एक दूसर घटना घट गई। कवन घटना घटल बाबू? कि अरे बेटा बेटा रटते माया नावा हो ना, ए बाबू बेटा बेटा रटते माया नावा हो ना। आ एक दिन छूटल बुढ़िया माई के पारा नावा हो ना, रोवे परिवारी उठे चीता में लावारिया, शहर में घूमे बबुआ शादी के भावारिया, सजल से हरा में जरेला का फनावा हो ना। एक दिनी छूटल बुढ़िया माई के पारा नावा हो ना। आखिर में वो माँ बेटा का इंतजार करते करते मर चुकी, लेकिन बेटा बीने लाल शहर से इलाहाबाद से माँ से भेंट करने के लिए घर नहीं आया। अजब नाइलन हम सुखराम गांव घर की सहायता लेकर के अपनी पत्नी का अंतिम दाह संस्कार कर रहा है। गौर करेंगे बाबू, इधर माँ की चिता जल रही है गांव में, उधर बीने लाल शहर में जिस लड़की से प्यार करता था, नेहा से शादी की भौंरे घूम रहा है। गांव में माँ की चिता जल रही है, शहर में बेटा अपनी प्रेमिका से शादी कर रहा है। इतना ही नहीं बल्कि बीने लाल बंगाल सरकार की ओर से निकला है वांट और उसमें भरा, वो पीसीएस की तैयारी में बंगाल सरकार की ओर से पीसीएस का परीक्षा दिया, फर्स्ट क्लास से पास भी हो गया। पास होते ही बंगाल सरकार उसे सरकारी नौकरी दे देती है। सरकारी नौकरी बिनेलाल करने लगा, अपनी नेहा से शादी करके नेहा को लेकर के आज इलाहाबाद शहर छोड़ करके कलकत्ता शहर में सरकारी नौकरी कर रहा है। भूल गया माँ को, भूल गया बाप को, भूल गया ब्याही पत्नी को पार्वती को, भूल गया मासूम छोटा सा मुन्ना सोनू को। लेकिन गौर करेंगे बाबू, इधर बेटा का इंतजार कर रहा है गरीब आदमी सुखुराम कि मेरा बेटा पीसीएस की तैयारी करके सरकारी नौकरी पा करके आएगा, हमारी गरीबी के दिन दूर हो जाएगी। लेकिन बेटा तो सबको भूल चुका है, अरे पहले पैसे की जरूरत थी तो बेटा बीने लाल पिता सुखुराम के यहाँ चिट्ठी भी दिया करता था, लेकिन अब तो उसे पैसे की आवश्यकता है नहीं, खुद कमा रहा है, उसे पैसे की क्या आवश्यकता है, चिट्ठी पत्री भी देना बंद कर दिया। सुखुराम चिट्ठी पत्री जो देते थे उन चिट्ठियों का जवाब अब नहीं आता था। सुखुराम समझ गया कि मेरा बेटा बीने लाल हमें धोखा दे दिया। आखिर में मजबूरी है, कर्जदारों का तगादा तेज हुआ। आज सुखुराम करता है क्या बाबू? कि बढ़ल तगादा कर्जदार के हाथ करीक्षा लगा चलाने कलकत्ता के दरमियान, सुखुराम अपनी मकान को बेच दिया बाबू, जिस मकान में रहता था। अब तो उस परिवार में मात्र सुखुराम, सुखुराम की बहू और वही छोटा सा मासूम नाती सोनू बच गया। सोच गया सुखुराम कि इस गांव में रहना दुश्वार है, गांव घर के लोग ताना मारेंगे कि कारे सुखू
तूने तो अपने बेटा को मजदूरी करके कर्ज लेकर के पढ़ाया लिखाया, लेकिन तेरा बेटा तुझे भूल गया। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। आखिर वही गरीब सुखुराम अपनी बहू और सोनू नाती को लिया गांव छोड़ करके, कर्जदारों का कर्जा चुका करके कलकत्ता शहर में जा करके बाबू रिक्शा चलाना शुरू किया। गौर करेंगे, हमारे यहाँ आपके यहाँ पांव से रिक्शा चलाए जाते हैं, लेकिन जो बाबू अगर कलकत्ता शहर में गए होंगे, देखे होंगे, वहाँ से वहाँ के रिक्शा चालक हाथ से रिक्शा खींचते हैं, यात्रियों को रिक्शा पर बैठा करके और हाथ से दौड़ते हुए घुघरू बजाते हुए साइड मांगते हुए दौड़ करके यात्रियों के मंजिल तक यात्रियों को पहुंचाते हैं। ए बाबू, वही गरीब आदमी सुखुराम अपनी बहू और नाती का परवरिश करने के लिए उसी कलकत्ता शहर में, जिस कलकत्ता शहर में उसका बेटा नौकरी करता था, लेकिन सुखुराम क्या जानता था, उसे नहीं पता था कि मेरा बेटा इसी कलकत्ता शहर में नौकरी कर रहा है, अपने बहू और नाती का परवरिश करने के लिए हाथ का रिक्शा खींच रहा है। एक दिन सवेरे वहीं का तो बात भाई बाबू, सुखुराम दो दिन से घर में खाना नहीं बना है, छोटा सा जो मुन्ना है सोनू आंख मलते हुए रोते हुए सुबह के टाइम में आकर के बाबा के गोदी में बैठ जाता है। सुखुराम देखला ना मुन्ना के मासूम चेहरा, उदास कलन की मुन्ना कैसन उदास हुआ बेटा, रो करके वो छोटा सा सोनू कहता है कि बाबा रोज शाम को मम्मी पानी पिलाकर सुला देती है, यही कहती है कि ये मुन्ना सो जा, सुबह में बाबा जाएंगे और तुझे खाने के लिए रोटी और पीने के लिए दूध लाएंगे। बाबा क्या दूध रोटी नहीं लाए, कौन सा बाबा होगा बाबू जिसका पत्थर का करेजा पानी नहीं हो जाएगा। आखिर सुखुराम भी इंसान था, अपनी मासूम अपनी नाती की इस बात को सुन करके बर्दाश्त नहीं किया, कलेजा फटने लगा, पार्वती को बुलाया, अपने गोद से उठा करके मुन्ना सोनू को पार्वती के गोद में रख कर कहता है कि बेटी थोड़ी देर और इंतजार करना, थोड़ी देर और इंतजार करना बेटी, मैं मुन्ना के लिए दूध और रोटी लाता हूँ। चल दिया, वही हाथ का रिक्शा उठा लिया, सुबह का बेला है, जा रहा है खुलेआम कलकत्ता शहर के रोड पर, और जब ही रोड पर जाता है तब तक दो नव दंपत उसे दिखाई पड़ते हैं बाबू, दो नव दंपत, एक नौजवान एक नई नवेली उसके साथ में दुल्हन। देखने से ही पता चलता था कि इन दोनों की अभी थोड़ी ही दिन पहले शादी हुई होगी। नौजवान दोनों वॉकिंग करने के लिए निकले थे, सुबह में टहलने के लिए थक गए थे, साहब थे। नौजवान देखा है रिक्शा वाले को, आवाज दिया, ए रिक्शा वाले इधर सुनो। सुखुराम दिखता है, आवाज को सुना, हाथ उठाकर बोला कि साहब आ रहा हूं। फटी हुई गमछी, फटी हुई धोती, गरीबी में बाहर बिखरे हुए हैं, दाढ़ी बढ़ी हुई है। उस दोनों नवदंपत के सामने जाकर हाथ जोड़कर सुखुराम कहता है कि साहब कहाँ चलना है, आइए मेरे रिक्शे पर बैठ जाइए। लेकिन सुखुराम के दिल में खुशी की लहर है कि आज मेरे मुन्ना के लिए दूध और रोटी मिल जाएगा। जाता है, हाथ जोड़कर कहता है साहब आइए मेरे रिक्शे पर बैठ जाइए, आपको मैं मंजिल तक छोड़ देता हूँ। लेकिन तब तक सुखुराम की नजर पड़ जाती है उस नौजवान पर, अवाक अवाक हो गया। क्यों? क्योंकि वो नौजवान कोई और नहीं था बाबू, बल्कि उसी का बेटा था विनयलाल, अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ वॉकिंग करने के लिए निकला था। सुखुराम पहचान जाता है विनयलाल को, विनयलाल भी सुखुराम को देखता है तो पहचान तो जरूर गया, लेकिन संदेह के घेरे में है कि मेरा सुखुराम बाप और ये कलकत्ता शहर कैसे, अगर मैं कुछ पूछता हूं इस रिक्शा वाले से तो मेरे साथ में नई नवेली दुल्हन है, ये सोचेगी कि क्या तेरा बाप रिक्शा चलाता है। आखिर में बाबू देखें सुखुराम के आंखों में आंसू है, सुखुराम के आंखों में आंसू है, हाथ जोड़कर कहता है कि साहब आइए मेरे रिक्शे पर बैठ जाइए, साहब मैं आपको आपके मंजिल तक छोड़ देता हूं। दोनों नव दंपत सुखुराम के रिक्शे पर बैठ जाते हैं, बुढ़ा गरीब सुखुराम रिक्शा को खींचने लगा, पसीना से लथपथ है, आंखों में आंसू है, यही सोच रहा है कि बाहर भगवान क्या यही दिन देखने के लिए मुझे तू जिंदा रखा था कि आज
एक बाप रिक्शा खींच रहा है और बाप के रिक्शे पर बेटा आराम से घोड़ पर घोड़ चढ़ाकर बैठा है। सुखुराम रोता है, पसीना से लथपथ है, आंखों के आंसू उस पसीने में लुढ़क करके मिल जाते हैं, लेकिन यही रो करके सोचता है। क्या सोचता है बाबू? आई हाँ, वह एक लाइन तरज बा, का तरज के लाइन बा भैया। है तरज के लाइन बाप कि तूने जबर रचा भगवान, तूने जबर रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने जबर रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने जबर रचा भगवान खिलौना माटी का, माटी का जी माटी अजबरचा भगवान खिलौना माटी का, तूने अजबरचा भगवान खिलौना माटी का, तूने अजबरचा भगवान खिलौना माटी का। आज सुखुराम रिक्शा खींचता है, रोता है और यही सोचता है कि बाहर भगवान। क्या रोकर सोचता है बाबू? कि खुद गर्ज भइल संसार, खुद गर्ज भइल संसार जमाना बदल गइल, खुद गर्ज भइल संसार जमाना बदल गइल, खुद गर्ज भइल संसार जमाना बदल गइल। नौ दंपति जोड़ा खाए ठोकर गाली हजार, खाए ठोकर गाली हजार जमाना बदल गई, खाए ठोकर गाली हजार जमाना बदल गई, खाए ठोकर गाली हजार जमाना बदल गई, खाए ठोकर गाली हजार जमाना बदल गई। आखिर में बाबू देखें अचानक दोनों नव दंपति को खींचते हुए वो सुखुराम ले जा रहा था। मैंने पहले ही बताया कि दो दिन से सुखुराम को भोजन नहीं मिला था। जो ही कलकत्ता शहर के बीच बाजार बड़ा बाजार शहर में जाता है, खुलेआम रोड पर सुखुराम की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उसी रिक्शा को ले करके सुखुराम बड़ा बाजार के बीच रोड पर गिर जाता है। दोनों नव दंपति रिक्शे से एक तरफ लुढ़क जाते हैं, लेकिन सुखुराम गिरा हुआ है बीच रोड पर। नौजवान साहब था, उठता है, शरीर को झाड़ता है, दिमाग में सोच गया कि अरे एक रिक्शा चालक खुलेआम खुलेआम बीच रोड पर मेरी पत्नी के सामने मेरी इज्जत की खटिया खड़ी कर दिया। एक रिक्शा वाले की हिम्मत, उठा है नौजवान, गले में टाई है, सूट है, बूट है, पाँव में बूट पहना था बाबू, जाता है उठ करके और उस सुखुराम रिक्शा चालक को ओ नौजवान लगा बूट से मारने, लगा बूट से मारने। सुखुराम गनगन गनगन कांप रहा है, हाथ जोड़ कर रोता है कि बस साहब बस, मुझे अब मत मारो साहब, मैं मर जाऊंगा, मैं भी एक आपकी तरह इंसान हूँ, मेरे बच्चा भूख से तड़प रहा है साहब, मात्र 10 रुपये का सवाल है, 10 रुपया मुझे दे दीजिए ताकि मैं अपने मुन्ना के लिए दूध और रोटी ले जाऊं। लेकिन वो नौजवान तो केवल मारने के धुन में है बाबू, मार रहा है। जो उसके साथ में उसकी पत्नी थी, आखिर थी औरत, दिल में दया आ गई, जा करके नौजवान की कलाई को पकड़ लेती है, डांटती है, क्या कर रहे हो, क्यों मार रहे हो, आखिर बूढ़ा है, रिक्शा चालक है, गिर गया, गरीब आदमी है, जानबूझ करके तो तुझे गिराया नहीं, छोड़ दो। पत्नी के कहने से नौजवान सुखुराम को छोड़ तो जरूर दिया बाबू, लेकिन उस औरत के दिल में सुखुराम के प्रति दया है, जा करके हाथ जोड़ करके कहती है कि बाबा
हम अपने पति के लिए क्षमा मांगती हूँ, माफ करना बाबा, सहारा दे करके उठाती है। अचानक उस औरत के जबान से आवाज निकल गई, आवाज निकल गई कि बाबा क्या तेरा कोई औलाद नहीं है, क्या तेरा कोई औलाद नहीं है बाबा। सुखुराम रो रहा है, कहता है कि बेटी ऐसा मत कहो, भगवान ने मुझे भी औलाद दिया था, भगवान ने मुझे भी औलाद दिया था बेटी, दिया था। औरत की जबान से निकल गया कि बाबा क्या तेरा औलाद मर गया। तब तो सुखुराम बाबू फूट फूट करके रोने लगा, उस औरत के जबान पर हाथ रख करके कहता है कि बस बेटी बस, अब आगे कुछ मत कहना बेटी। अरे बिटिया, औलाद तो मेरे आंखों के सामने है बेटी, लेकिन मैं क्या करूं, मैं क्या करूं बेटी। अरे जब एक बेटा ही बाप कहने को, बाप को बाप कहने को तैयार नहीं है, तो तू ही बताओ बेटी कि एक बाप अपनी बेटा को बेटा कैसे कह सकता है। जब एक बेटा ही बाप को बाप कहने से इनकार कर रहा है, तो एक बाप अपनी बेटा को बेटा कैसे कह सकता है, बेटी कैसे कह सकता है। रोता है सुखुराम, कहता है कि सुन बेटी सुन, तू यही जानना ना चाहती है कि मेरा बेटा क्या हुआ। रोता है सुखुराम और बताता है, क्या कहता है बाबू। यही रो करके कहता है कि कुहू के करे जा बार बार आए, कुहू के करे जा बार बार हमार लाल सपना हो गई ले, कुहू के करे जा बार बार हमार लाल सपना हो गई ले, कुहू के करे जा बार बार हमार लाल सपना हो गई ले, कुहू के करे जा बार बार। कैली जतन से पालन पाठा बना वाली, खत जिए परिवार होकर खत जिए परिवार हमार लाल सपना हो गई ले, होकर खत जिए परिवार हमार लाल सपना हो गई ले, होकर खत जिए परिवार हमार लाल सपना हो गई ले, होकर खत जिए परिवार। आखिर में बाबू ओ औरत कुछ बात नहीं समझ पाई, वो दोनों नवदंपत अपने घर की ओर चले गए। सुखुराम बेचारा अपनी रिक्शा को उठाया है, हारा हुआ जुआरी की तरह अपने मंजिल की ओर चल दिया। लेकिन सुखुराम के कलेजे में चोट लग चुकी थी, उस नौजवान की बूट की चोट कलेजे में लग चुकी थी, सुखुराम घायल हो चुका था। लेकिन ये बात घर पर जाकर किसी से बताया नहीं, जाकर खाट पर गिर जाता है। दो चार दस दिन तक गिरा रहा, आखिर अंजाम निकला क्या बाबू। कि अरे पिघल के पत्थर पानी हो गया, तमोरा राम हो राम, अरे पिघल के पत्थर पानी हो गया, जिंदगी कटी पतंग साया है गरीबी झल के, फिर 8 रोज तक सुखुराम खाट पर गिरा रहा। इस तरह से अंजाम ये निकला कि सुखुराम की भी मौत आकर के दरवाजे पर दस्तखत देने लगी। सुखुराम भी इस धरती का कुछ ही दिनों का मेहमान बन चुका। सोच गया सुखुराम कि मैं मर जाऊंगा, अब बचूंगा नहीं। आज अपने मुन्ना को गोद में लेकर बहुत सारा ढेर प्यार किया, प्यार कर रहा है, मुन्ना को खिला रहा है। लेकिन अपनी बहू पार्वती को बुलाया
और बहू के गोद में रख करके सुखुराम कहता है कि बेटी तू तो मेरी बिटिया जैसी थी, जितना हो सका मैंने तुम लोगों के लिए किया, लेकिन एक काम करना बेटी कि मेरे मर जाने के बाद तुम कलकत्ता शहर मत छोड़ना, इसी कलकत्ता शहर में रहना और अपनी इज्जत आबरू बचा करके बेटी मेरे मुन्ना को पढ़ाना लिखाना, शिक्षित बनाना। ए बाबू यही कह करके सुखुराम भी आज इस दुनिया को छोड़कर चल बसा, मर गया। और जब मर गया तो एक तरफ सुखुराम की बहू पार्वती अपने ससुर की पांव पकड़ कर रो रही है, एक तरफ छोटा सा सोनू मुन्ना अपने बाबा के सीने पर सर पटक पटक करके रो रहा है। और रो करके आज वो बहू कहती है पार्वती, का कहलिन हा? कि रहला सहारा बेसा, अब बेसहारा कहिला दुनिया में, ए भैया रोवे सोनू पार्वती माया नावा ये बाबूजी, अरो वे भगिनिया बढ़े पेट की अग्निया हो, तब करे लगली चौका बरता नावा ये बाबूजी, बीतल कुछ साल भरती तब भली डकटरिया में, अब ब्लड कैंसर भइल बा बदनावा ये बाबूजी, तब घरवा नहुड़िया बा फुटही कौड़िया बा, अब डहकेला सोनू सुगनावा ये बाबूजी, आखिर में बाबूजी पार्वती अपने ससुर की अंतिम दाह संस्कार उसी कलकत्ता शहर में करती है और अपने मुन्ना का परवरिश करने के लिए, जिस मुन्ना का उम्र मात्र उस समय 2 बरस था, मुन्ना का परवरिश करने के लिए उसी कलकत्ता शहर में रह करके बड़े बड़े सेठ साहूकारों का चौका बर्तन करने लगी। धीरे धीरे 8 बरस का दिन गुजर गया, आज वो मुन्ना 10 बरस का हो चुका। आज जब 10 बरस के भैलन हाँ देखें, आज भगवान गजब कह दिहलन, पार्वती की भी एक रोज तबीयत खराब हो गई, 2-4-5 रोज तक खाट पर गिरी रही बाबू। मुन्ना 10 बरस का सोनू अपनी मम्मी की हालत देखकर बर्दाश्त नहीं किया, अपनी मम्मी को सहारा देकर एक डॉक्टर साहब के यहाँ ले जाता है, आंखों में आंसू लेकर रोता है कि साहब मेरी माँ को बचा लीजिए, साहब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, अगर मेरी मम्मी मर जाएगी मैं जीते जी मर जाऊंगा साहब, मर जाऊंगा। डॉक्टर के दिल में दया आ गई, बाबू बोला कि मुन्ना तेरी माँ को मैं जरूर देखूंगा बेटा, रो मत, तेरे पास पैसे नहीं है ना? नहीं साहब मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी माँ को देख लीजिए। आखिर में वो डॉक्टर सोनू की माँ पार्वती का चेक करता है, अब जब ही चेक किया आवाक आवाक हो गया, क्यों? कि उस पार्वती के पूरे शरीर में ब्लड कैंसर हो चुका था। कहता है डॉक्टर कि ए मुन्ना मैं कोई भगवान तो नहीं हूँ बेटा, इंसान हूँ, तेरी माँ की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, लेकिन ठीक है मैं दवा लिखता हूँ, इस दवा को किसी दुकान से खरीद करके अपनी मम्मी को खिलाओ, हो सकता है तेरी माँ कुछ दिनों के लिए इस धरती पर जिंदा बच जाए।
अपनी माँ को सहारा दे करके सोनू घर पर लाता है। एक टूटी हुई खाट है, उसी खाट पर बाबू मम्मी को लिटा देता है और एक फटी हुई चादर माँ के तन पर डाल करके कहता है कि माँ रोना मत, माँ पार्वती रो रही है कि मेरा छोटा सा मुन्ना कहाँ जाएगा, कौन इसे पैसा देगा। आखिर में मुन्ना कहता है कि माँ रोना मत, मैं हूँ ना, मैं हूँ माँ, थोड़ी देर इंतजार करो, मैं तुझे खाने के लिए रोटी और पीने के लिए दवा लाता हूँ। मुन्ना छोटा सा मासूम बेटा 10 बरस का घर से निकल जाता है, आता है कलकत्ता शहर के बड़ा बाजार में, खुलेआम रोड पर आकर के हमसे, आपसे, दुनिया के लोगों से वो छोटा सा मासूम बेटा भीख मांगने लगा और रो रो करके यही भीख मांगता था। कहता था क्या, यही रो करके कहता था कि केहू रोटी दे दे केहू रोटी दे दे दुखिया के दुख दर्द बढ़ल बा, माई के नहीं पैसा बाट दवाई, मेरी माँ की हालत खराब है, कोई भी इंसान भैया मात्र 2-2 रुपए का सहारा दे दे ताकि मैं अपनी माँ के लिए दवा खरीद सकूं। लेकिन बाहरे आज के जमाने के लोग उस छोटा सा मासूम बेटा के साथ करते हैं क्या बाबू, कि केहू ठोकर ताना मारत बा, परस संभालत बा, मैडम परस संभालत बा, एक मैडम परस संभालत बा, वो खुद परस चोरा के घर आइले, खुद परस चोरा के घर आइले तब प्राण छुटल बा, दाई के नहीं पैसा बाट दवाई, में बाबू वो लड़का भीख मांगता रहा लेकिन कोई भीख देने के लिए तैयार नहीं था। कोई ठोकर मारता है, कोई गाली देता है, भाग जा साला कमाने का ढोंग बनाया है, सुबह का बेला है। आखिर वो सोनू एक सब्जी की दुकान पर खड़ा होकर रो रहा है कि मेरी माँ दवा के लिए तड़प तड़प करके मर जाएगी, कोई पैसा नहीं देगा। तब तक अचानक एक औरत आती है सब्जी की दुकान पर, अपनी पर्स से कुछ रुपए निकाल रही है। ललचाई निगाहों से सोनू देखता है, सोचता है कि अगर ये रुपए मुझे मिल जाते तो मेरी माँ के लिए रोटी भी मिल जाता और पीने के लिए दवा भी मिल जाता। बाबूजी देखें दिमाग उलझ गया, सोनू जाता है दौड़ करके उस मैडम के हाथ से पर्स को छीन लिया, पर्स को छीन करके भगता है, भगता जा रहा है, जाता है अपने घर पर, दूर से ही चिल्लाता है कि माँ देख, माँ देख, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। माँ तो शायद उसी बेटा का इंतजार ही कर रही थी। जब ही दरवाजे पर घुसता है, माँ दोनों हाथ फैला कर कहती है कि मुन्ना कहाँ गया था, मुन्ना कहाँ गया था बेटा। जा करके अपनी माँ के सीने से लिपट करके वो सोनू रोने लगता है। लेकिन बाहर भगवान, तब तक माँ के सीने से बेटा लिपटा है, माँ अपनी सीने से लगाई है, अचानक माँ बेटा को सीने से लगाई ही लगाई अपनी अंतिम दम को तोड़ देती है। और जब अंतिम दम को तोड़ देती है बाबू, सर पटक पटक करके सोनू माँ के सीने पर रोता है और रो करके यही कहता है क्या,
यही रोकर कहता है कि तोहरा बिना सुनबा जहानवा ये माई, बरी से नजरिया से लोरी के करे सहारा छोड़ी के हम के बिसरालू, ममता भूला के माई टुआरा बनावालू, कई दिहलू सुखवा सपनावा ये माई, बरी से नजरिया से लोरी। रो रहा है, लेकिन तब तक अचानक जिस औरत का वो पर्स लेकर भागा था बाबू, वो औरत पीछा करते करते सोनू के घर आ गई। दरवाजे पर खड़ी है, घर का पूरी करिश्मा देख रही है। दिल में दया आ गई कि बारे भगवान, क्या आज भी ऐसे लोग हैं जो कि एक बेटा माँ के दवा के लिए भीख मांगता रहा लेकिन कोई भीख तक नहीं दिया। दिल में दया है, जा करके सोनू को उठाती है कि मुन्ना रो मत। जब ही औरत को देखता है, हाथ जोड़कर सोनू रोने लगता है कि आंटी आंटी मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं तेरा पर्स लेकर भागा था माँ के लिए, ये पर्स ले लो आंटी, मेरी माँ तो मर गई, अब ये पैसे मैं क्या करूँगा। लेकिन औरत के दिल में दया है, आखिर वो औरत करती है क्या बाबू, देखें आखिर वो औरत कौन थी, यही तो सोचने वाली बात है। पूरा बिरहा का निचोड़ दिहल गई, का दिहल गई भैया, शोक के सगारवा में उठला लवरिया भैया, अरे बनी के तूफान आईली पर्स वाली नार, मोम बनी गईला देख के पत्थर करे जवा दादा, भूतनाथ घाट खुद कैली संस्कार, सोनू सुगनावा के घर लेके अइली भैया, अब कोठरी से फोटो एक लिहली चुराए, पूछे पति देव के कर भिख मंगा ललनवा गोरिया, अरे कहली कहानी अखिया सू छल छलाए, जिला बये साली में बा जमुई नगरिया पियावा, सुखुराम रहत रहले साथे परिवार, मरली में हरिया रिक्शा वाला बनी गईले भैया, उन्हीं के नाती हवन सोनू सुकुमार। आखिर में बाबू वही औरत उस सोनू की माँ की अंतिम दाह संस्कार भूतनाथ घाट पर ले जा करके कराती है और कहती है कि मुन्ना तुम अकेले इस दुनिया में कैसे रहोगे। अब मुन्ना तो रोते रोते बेहाल हो चुका था, जिसकी दुनिया ही उजड़ गई थी। तब तक उस औरत की नज़र एक तस्वीर पर टिक जाती है, जिस तस्वीर में एक औरत बैठी थी, औरत के गोद में एक मुन्ना था और बगल में एक मर्द बैठा था। जो ही उस मर्द के चेहरा को देखती है, आवाक आवाक हो जाती है। आखिर में बाबू ओ मर्द कोई और नहीं था बल्कि उसी औरत का पति बैठा था उस फोटो में। कहने का मतलब कि वो औरत भी कोई और औरत नहीं थी, वही बिनेलाल की दूसरी औरत नेहा थी। समझते देर नहीं लगी, बोलती है कि मुन्ना ये किसकी तस्वीर है। मुन्ना कहता है कि आंटी ये तो मेरी मम्मी थी जिसे तूने अंतिम दाह संस्कार करवाया, बहुत बच्चा था आंटी, मम्मी मुझे गोद में ले करके अपना तस्वीर साथ में खिंचवाई थी, और ये बगल में जो बैठे हैं यही मेरे पापा जी हैं। मेरी मम्मी कहा करती थी कि मुन्ना जब से तेरे पापा जी गए लौट करके नहीं आए, लेकिन मेरे पापा जहाँ भी होंगे आंटी एक बहुत बड़ा साहब बने होंगे, हम लोगों को भूल गए पापा, अब तो पता नहीं पापा इस दुनिया में हैं कि नहीं, मैं तो पहचान भी नहीं पाऊँगा। औरत के दिल में दया है, रोने लगती है, कहती है कि साबस मुन्ना, अरे तेरा पापा जहाँ भी हैं जरूर साहब हैं बेटा, लेकिन आज से तू मेरे साथ रहेगा, चल लेकर के साथ में जाती है। बिने लाल शाम का वक्त है बाबू, आया था ड्यूटी से लौट कर चाय पी रहा था, देखता है कहता है कि अरे नेहा ये किस भीख मंगा के लड़का है,
कौन सी भिकमंगा का लड़का को तुम लाई हो? कहती है कि हाथ जोड़कर पति देव, ये कोई भिकमंगा का लड़का नहीं है। अरे वैशाली जिला में जमुई गांव के रहने वाले सुखुराम अपने बेटा को पढ़ा लिखा करके साहब बना दिया। इतना ही नहीं बल्कि साहब बन गया उसका बेटा, सबको भूल गया। उसके गम में उसकी माँ मर गई। उसका पिता सुखुराम अपनी बहू और नाती का परवरिश करने के लिए इसी कलकत्ता शहर में रिक्शा चलाने लगा। याद होगा एक दिन वो सुखुराम मिला था जिसे तूने बहुत मारा था, याद है ना? वही सुखुराम था और उसी का ये नाती सोनू है। आज तो इसकी भी माँ मर गई, ये बेसहारा है। फोटो निकालती है और दिखाती है, देखना, कहती है कि पहचान बिने पहचान, ये किसकी तस्वीर है? पहचानना क्या था बाबू, वो तो बिने लाल पूरी बात समझ चुका था। शर्म से गर्दन झुक जाती है, नजर ऊपर नहीं उठ रही है। धिकारती है नेहा, कहती है कि अरे बिने लाल, अरे जो नालायक औलाद अपनी माँ को भूल सकता है, जो नालायक औलाद अपनी पिता को भूल सकता है, अरे जो नालायक औलाद अपनी ब्याही औरत को भूल सकता है, जो नालायक औलाद अपनी मासूम बेटा को भूल सकता है, तो क्या वो नालायक औलाद अपनी दूसरी बीवी को नहीं भूल सकता है? जा, तू मुझे क्या धोखा देगा? और तूने तो मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया था, लेकिन तू क्या धोखा देगा रे बिनेलाल? जा, आज से मैं खुद तुझे छोड़कर जा रही हूँ। हाँ, भगवान ने मुझे औलाद नहीं दिया था, लेकिन आज तो भगवान मुझे जीते जी एक औलाद भी दे दिया। मैं इसी मुन्ना को अपना औलाद मानूंगी और औलाद मान करके इस घर को छोड़कर मैं जा रही हूँ। लेकिन इतना याद रखना बिनेलाल कि ये मत समझना कि मैं जा करके किसी गैर मर्द से शादी कर लूंगी। नहीं, मैं तो सच्चा प्यार किया था, सच्चा प्यार करती रहूंगी, तेरे नाम पर अपनी मांगों में सिंदूर भरती रहूंगी जब तक तुम जिंदा रहोगे, और इसी मुन्ना को मैं अपना औलाद मान करके अपनी जवानी बिता दूंगी, लेकिन गैर मर्द के साथ कभी नहीं जिंदगी बिताऊंगी। चल देती है। मुन्ना 10 बरस का हो चुका था बाबू, सोचते देर नहीं लगा कि यही मेरे पापा बिने लाल हैं। रास्ता को रोक लेता है, रोने लगा हाथ जोड़ करके, माँ भगवान ने मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया कि एक एक माँ मेरी मर गई तो जीते जी भगवान ने मुझे माँ दे दिया, और मुझे मम्मी और पापा दोनों का प्यार चाहिए। दौड़ कर जाता है और जा करके अपने बिने लाल पापा का कलाई पकड़ करके ला करके मम्मी के कलाई में रख देता है। हाथ जोड़ कर कहता है कि माँ हमको माँ और पापा दोनों का प्यार चाहिए। तब से बाबू वो तीनों उसी कलकत्ता शहर में रहकर एक जिंदगी की नई शुरुआत किए। गाने के अंतिम लाइन में कहना है क्या? आज के नौजवानों के लिए कहना है कि समाज के बिगड़ जाई स्वरूप, अरे समाज के बिगड़ जाई स्वरूप, अब दखल अंदाजी करी है, अपने बाबूजी से बेटा दगाबाजी करी है, गुरु जद्दू लौटन की लहरे फुलवारी, कथन करे कवि गंगा सागर मितवा जवत बिहारी, अरे पिघल के पत्थर पानी हो गया, ए भैया पिघल के पत्थर पानी हो गया, यादव ओम प्रकाश अब गाते करुण कहानी हो, पिघल के पत्थर पानी हो गया।